दीदी ये गोद भराई में अच्छा लगेगा मेरे ऊपर? आपकी गोद भराई नहीं है भाभी, आप कुछ सिंपल सा सूट ले लो। सैंडो ने इतना महंगा वैसे ही ले लिया है, आप कुछ सिंपल सा ले लो। सूट नहीं सॉरी लहंगा ही लो, लेकिन सिंपल लो, या गाउन ले लो। मैं क्या लू, मैं तो कुछ तड़कता भड़कता महंगा ही लूंगी। क्या? अरे मतलब मैं भी कुछ सिंपल सा ही लूंगी। मैं उधर देख के आती हूँ ब्राइडल सेक्शन में, थोड़ा सिंपल ठीक है। ब्राइडल सेक्शन में कौन सा सिंपल मिलता है, इसका तो मुंह तोड़ दूं। एक काम करती हूँ, मैं तो यही लूंगी या फिर ये हाँ? इतने प्यारे प्यारे लहंगे, मेरा तो दिल ही आ गया इन पर। कौन सा लूं समझ नहीं आ रहा, कोई तो लेना ही पड़ेगा। वाओ कितने सुंदर दुपट्टे हैं, पहले वो जाके चेक करती हूँ। वाओ कितना सुंदर दुपट्टा है, ये तो मैं लूंगी लूंगी, ये तो मेरे ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर मैंने इसको पहन लिया तो मैं ही मैं चमकूंगी हर जगह। हाँ वाओ कितना अच्छी तरह काम किया गया इस दुपट्टे में, एक एक चीज परफेक्ट है। देख तो नहीं रही मुझे? नहीं देख तो नहीं रही है, चुपचाप ना पैक करवा देती हूँ। ए इधर इधर इसको पैक कर देना। हाँ इसको ना चुपचाप पैक कर देना। Oops. मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी। अरे ये क्या ले रही है? What? ये आपने भाई साहब बहुत अच्छा दिखाया, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये क्या देख रही हूँ मैं, ये पूरा ब्राइडल लहंगा है। अरे भाभी आप इतना चौक क्यों रही हो, भैया बस मुझे ऐसे दिखा रहे हैं, ये थोड़ी ना पहनूंगी। भैया ये मैरिड है। वो कह रहे थे कि आप लगती नहीं है, मैंने कहा हाँ वो तो है लेकिन मैं हूँ, बट ये मैं गोद भराई के लिए ले तो रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा मैं इसे पहन पाऊंगी। लेकिन सुंदर कितना पीस है, मैं चाहती हूँ मेरे हाथ से जाए ना इसलिए। हाँ ये तो बात है, सुंदर तो बहुत है ये पीस, और मेरे ऊपर तो और भी सुंदर लगेगा। भैया नक्की एक नंबर दिखाया आपने तो। लेकिन आपके लिए नहीं दिखाया ना भैया ने, मेरे लिए दिखाया है, मुझे बोल रहे थे आप बड़े सुंदर हो आप ये पहनो, तो मैंने हाँ कर दिया। और ये पता कितने का है, थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रहा है मेरे, 2.5 का है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं पहन लेती हूँ ये। 2.5 लाख का लहंगा लोगे आप? हाँ क्या हो गया, किसी शादी में ही पहन लूंगी, काम तो आएगा ही। आपके भाई का फंक्शन नहीं है, मेरे भाई का फंक्शन है, तो मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव लेना चाहिए। अरे आपका भाई हो मेरा भाई हो एक ही बात है यार, मैं तो सबको भाई मानती हूँ अपने हस्बैंड को छोड़ के, तो चलता है। और वैसे भी उसकी पत्नी को भी दिला रही हूँ मैं चंदो को। ठीक है ठीक है ले लो, लेकिन उस दिन मत पहनना वरना आप चमकोगी, वो चंदो नहीं चमकेगी। वैसे भी चंदो पेट से है तो उस पार्टी में आप नहीं चमकनी चाहिए हो ना, वही चमकनी चाहिए, उसका स्पेशल डे है। चंदो का तो स्पेशल ग्लो आ रखा, वही चमकेगी। मैं तो बस ऐसे ही ले रही हूँ ताकि सारी अटेंशन मेरे पे जाए, ताकि सब लोग चंदो को देखें। भैया इसको तो आप पैक कर दो, मैं आगे देखती हूँ कुछ। हाँ हाँ जाओ जाओ। भैया जो भी अच्छा कलेक्शन है छुपा देना, इनको मत दिखाना, लेती नहीं है बस निकाल के रख देती है। ठीक है इधर की बैठी हूँ। अरे दीदी ये देखो चप्पलें ऐसी रखी रहती है यहाँ पर, चुपचाप लेके भाग जाऊंगी, किसी को क्या पता चल रहा है। और सुनो तो मेरी बात, मेरी बात काटती रहती है, मेरे डायलॉग आने नहीं देती हूँ बात। मैं कह रही हूँ यही मैं पहनूंगी गोद भराई में, मैं ही मैं दिखूंगी। और देखो कितनी सुंदर हील्स है, शाइन भी ऐसी तो ये मैंने कहीं नहीं देखी। भाभी आप कितनी बोली हो, ये तो 4-5 कैमरे दिख रहे हैं इधर, ऐसा मारेंगे ना आपको ये लोग, मैं तो बोलूंगी भी नहीं कि आप मेरे साथ थी। चलो यहीं बैठी रहो। आई बड़ी चुराओगी, ये लोग पागल है जो खुला छोड़ रखा है, आप जैसे लोग खूब जानते हैं ये लोग, पकड़ पकड़ के मारेंगे। बोलती रहो अपने डायलॉग इधर। आई बड़ी। अरे लेकिन यार यहाँ पर तो 4-5 नहीं 10-12 कैमरे, मेरी तो नजर ही नहीं गई इन पर। मगर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। लहंगे तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब ये चप्पलें पहन के तो देखो मेरे पास आ रही है या नहीं। यार ये मुझे तो नहीं आ रही है फिट, छोटी है ये तो मेरे। कोई बात नहीं चंदो को ही गिफ्ट कर दूंगी, ले लेती हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है। हाँ ऐसे रख लूंगी। अरे भैया ने तो नहीं देख लिया? भैया बस ऐसे ही। अरे आ भी जाओ। आ रही हूँ मैं, बिलिंग हो गई है। चुपचाप लेके भाग जाती हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है।